I've fallen in love with I Love. I love you. Él vole, wow. हमारी जिंदगी का सत्यानाश करके हमें जेल भेजने वाला ये अब इसे मारने के लिए ही हमें जिंदा रहना है। ये कहीं भी हो मारना है, कहीं भी हो। आज हमारे सारे कर्जे उतर जाने चाहिए। जाओ जीत करो। ओके ससुर जी। बदामी यूथ एसोसिएशन द्वारा किए गए कबड्डी प्रतियोगिता में जीते सीनू को इज्जत से लेता हूँ। सीनू जी को प्राइज मनी लेने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा। कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? सीनू तो कहाँ है? ये क्या किया तुमने? अरे उन उधारियों के गांव को छोड़ दिया ससुर जी। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? अरे पैसा नहीं था तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते। इस तरह गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? देखो धोखा देना गलत है दामाद जी। इसमें गलत क्या है? हमने उन्हें ब्याज के नाम पर असल से ज्यादा ही दे दिया होगा। चाहो तो जोड़ लो। ओए, तू मुझे भी तो धोखा नहीं दे रहा? आपकी कसम ससुर जी, मैं सभी का पैसा चुका दूंगा। तो ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब सो जाओ। अरे सो जाओ। और इस तरह चेन्नई जाने वाली गाड़ी गुंटकलू जंक्शन से रॉन्ग टर्न लेकर इनकी जिंदगी को भी टर्न कर गई। चेन्नई जाकर दुबई बाबू से मिलने की दिल इच्छा में हैदराबाद की ट्रेन में सो रहे हैं। नमस्ते। अरे कहीं जाना हो तो बात करो। ये नमस्ते नमस्ते क्या है? ओए सीनू, ये भी हिंदी बोल रहा है। हाँ ससुर जी। अच्छा भाई, पांडी बाजार चलोगे क्या? पांडी बाजार? हाँ यार, तुम तो ऐसे शॉक हो रहे हो जैसे हम हैदराबाद में आकर पांडी बाजार बोल रहे हैं। बिल्कुल चलूंगा। मतलब आप चेन्नई के पांडी बाजार ही जाना चाहते हो ना? कैसी बात कर रहे हो बेटा, चेन्नई आकर पांडी बाजार के बारे में ही पूछेंगे ना? पांडी बाजार में कहाँ जाना है सर? एड्रेस तो नहीं पता, हमारे पास उनका मोबाइल नंबर है, वहाँ पहुँचेंगे तो बात करके पूछ लेंगे। क्यों? नहीं पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। पास जाकर पूछेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। पास में ही है, जल्दी आ जा कहेंगे तो भाग कर आएगा। ऑटो के पैसे भी तो बचेंगे। क्यों ससुर जी? बहुत चालाक है। मैं तुम लोगों से भी चालाक हूँ। आइए ना सर। यहाँ सब जगह तेलुगु में लिखा हुआ है, ये चेन्नई ही है ना? ये चेन्नई है सर। आप लोग वो सब क्यों देख रहे हैं? वो क्या है, यहाँ पे तेलुगु लोग कुछ ज्यादा ही रहते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। वो देखो चेन्नई शॉपिंग मॉल। हाँ चेन्नई शॉपिंग मॉल ससुर जी, ये चेन्नई ही है। चेन्नई शॉपिंग मॉल तेलुगु में क्यों लिखा है? वो बताया था ना, तेलुगु लोग कुछ ज्यादा ही है। हाँ करेक्ट है, एक समय हमारी राजधानी भी यही थी ना, चेन्नई मद्रास। कोई अच्छा सा सस्ता सा लॉज हो तो बता दो ना। आप जैसे लोगों के लिए एक अद्भुत लॉज है। नायर? क्यों बे, नायडू को नायर बोलता है? पता है भाई, तेलुगु वालों के लिए नायडू, तमिल वालों के लिए नायर। फर्स्ट टाइम चेन्नई आए भाई, हमारे मेहमान है। बैग के साथ हमारी होटल में रहेंगे आप। दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से? दिल्ली से आए हो क्या? चेन्नई आए हो? आओ भाई आओ, अंदर आओ। बॉयज तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली से आए हैं, चेन्नई घूमने आए हैं। ओ अच्छा, दिल्ली से आए हैं, चेन्नई आए हैं। हाँ तुम बैग ले लो। नहीं नहीं, मैं लेकर चलूंगा। हम नहीं मानेंगे। इस क्षण से आप और आपका बैग हमारा है। कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा रुको भाई। क्या हुआ बेटा? देखो ही नहीं ये कितने अच्छे लोग हैं, हम दिल्ली वालों से बहुत प्यार है। यार तो ठीक है, पहले पेमेंट बताओ, बाकी बकबक नहीं चाहिए। हमारे होटल में तेलुगु वाले इडली खाएंगे तो रूम फ्री, सो इडली का पेमेंट और रूम कॉम्प्लीमेंट। अरे ये तो एकदम अजीब बात है, इडली के साथ सामर फ्री देते हैं, ये तो रूम ही फ्री दे रहे हैं। सभी को नहीं देते, सिर्फ दिल्ली वालों को देते हैं। चेन्नई आए हो ना?
माँ तुम्हारी कसम माँ, एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, कल शाम तक चेन्नई आ जाऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, बाय। सुनो बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, माँ की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। अब मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? हाँ, अरे तुम चेन्नई में ही हो और माँ को बोल रहे थे कि मैं चेन्नई आ जाऊंगा। व्हाट, ये चेन्नई कहाँ है? ये तो हैदराबाद है। हैदराबाद वो देखो चार मीनार। दामाद जी रुक, भागता का है? नमस्ते भाई, मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो बात करनी है डिंपल से करो। ये भाई कौन है बे? चाय पीकर भूलने जैसी बात के लिए भाई का नाम क्यों ले रहे हैं यार? अभी तो कुछ मिला तो है नहीं, इसकी इडली गई, मेरा पेट्रोल गया, आप क्या क्या भाई, भूल जाइए ना भाई। मैंने जो पहले पूछा है उसका जवाब दो, सबको उनसे इतना डरने की जरूरत क्या है? भाई का नाम ही डर है। इस शहर में लीगल धंधों को अगर कोई लीगली सेटलमेंट करता है वो भाई ही करते हैं। वैसे तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब तुम्हें एक घंटे में मिलेगा, मुझे 10,000 दो, शॉपिंग करनी है। अब ये नया घाटा क्यों? चुपचाप पैसे दे चल। ओए जरा रूम के अंदर जाके देखो। तुम ये टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम उल्लू नहीं है, लल्लू है। हाँ यार, अब तुम होटल खाली करके चले जाओ। चुपचाप अंदर जाके देख। हाँ जा रहा हूँ ना। आप कौन है? अरे क्या हो गया? अरे लगता है मिनिस्टर समझ कर घबरा गए। वो कोई भाई नहीं है, मेरा ससुर है। ससुर है? हाँ। यानी ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? नहीं, दुनिया में मेरे अलावा मेरे ससुर जी का कोई भी नहीं है। आज से ससुर जी का इस्तेमाल करके हम पूरे शहर को उल्लू बनाएंगे। भाई करोड़ों से नीचे डील नहीं करते, करोड़ों के नीचे लाखों होते हैं, लाखों के नीचे हजारों होते हैं, वो सारी डील्स हम लोग करेंगे। रिस्क है भाई, लाइफ में बड़ा बनना है तो रिस्क लेना होगा। हम जो धंधा करेंगे वो ना भाई को और ना ही मेरे ससुर जी को पता चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी को पता कैसे नहीं चलेगा भाई, वैसे भी वो कितना सवाल करते हैं। पासपोर्ट या वीजा का काम है कहकर मैं ससुर जी को संभाल लूंगा, मैं उनके साथ हमेशा करता आया। तो फिर हमें क्या करना होगा? पहले अपने भिखारियों जैसी हालत बदल कर अर्जेंट एक कॉस्टली कार अरेंज करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी, कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर है क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। ठीक नहीं है, रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे अचानक? अब तुम्हें क्या लगता है मैं भी शादी कर लूंगी, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम, हाँ रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे, अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ। तुमने मुझे पैसे कब दिए? हाँ सर, आपको ही तो दिए थे, चाहिए तो सीसी कैमरे का फुटेज देख लीजिए। ये अभी तक जिंदा है। पैसे इसे दिए थे? इसे मतलब सर, आप ही तो थे ना। तुम लोग पैसे मेरे हाथ में दिए थे? आप मतलब अपने पीछे खड़े लड़के को दिया था सर। कौन है वो लड़का? मतलब वो लड़का आपको? सवाल मत पूछो, जो पूछा है वो बताओ, कौन है वो लड़का? डिंपल जी का दामाद, यहीं इसी घर में मिले थे। मेरे पीछे खड़ा ये लड़का कौन है? ये मेरा फैन है सर। तुम्हारा फैन? क्यों सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे फैंस नहीं हो सकते, आप मेरे फैंस को लेकर घूम रहे हैं, अच्छी बात नहीं है सर। उसका नाम क्या है? उसका नाम दामाद है सर। क्या मतलब? दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये क्या नाम हुआ? क्यों नहीं हो सकता सर, अम्मा राजशेखर बहन मायावती, तो दामाद सीनू क्यों नहीं हो सकता सर। तुम्हारा उड़ भी रोहित। हाय अंजलि,
तुमने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें वीडियो में कई बार देखा है। तुम्हारे सारे वीडियोस अंकल मेरे डैड को भेजा करते थे। पापा, वन मिनट। क्या हुआ बेटी? I'm confused. ये रोहित है? हाँ, यही रोहित है। तो फिर उस दिन आपके साथ मॉल में कौन था? कौन था? उसने कहा कि वो रोहित है। I like him, Dad. मतलब मेरे साथ जो भी रहेगा वो रोहित होगा? उसे तुम पसंद करने लगोगी? Sorry, Dad. वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने तुम्हें ही नहीं, मेरे नाम से कई लोगों को चीट किया है। अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं कभी मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा किया। तुम और जैसे नहीं होगे सोचा था। क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया तुमने? अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बोलोगे? एक और झूठ। मेरे डैड ने जब तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने नहीं दिया। पता है क्यों? मेरी लाइफ में कुछ अनमोल पल तुम्हारी वजह से आए थे, इसलिए। वरना अब तक तुम्हें मरवा डाला होता। अंजलि, तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन मेरा प्यार एकदम सच्चा है। अंजलि प्लीज, बस बहुत हुआ, कहीं चली जाओ यहाँ से। कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। अंजलि, अरे रुको भाई रुको, मुझे यहाँ के भाई जी से मिलना है। हाँ बैठिए, हम भी आपको ही ढूंढ रहे थे। अंदर जाइए। तुम यहाँ? भाई मतलब तुम? हेलो, तुम्हें देखकर मुझे शॉक्ड होना चाहिए, यहाँ तो तुम्हें शॉक्ड हो गए। मतलब हमारे सीनू ने तुम्हारी बेटी से प्यार किया? आखिर ये सीनू है कौन? आज तक उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी नजरों से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे सीनू से अपनी बेटी की शादी करवा दो। यहाँ हमें शादी के बारे में बात नहीं करनी, मौत की बात करनी है। लेकर आओ उन्हें। राधे, राधे, शंकर, नरसिम्हा भाई, नरसिम्हा जिंदा हो? नरसिम्हा भाई जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। ये सब क्या है? तुम सब यहाँ कैसे? भाई तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, उसके पास तुम्हारी बेटी पल रही है, हमारी अंजलि बिटिया। ये लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरी बेटी जिंदा है क्या? कहाँ है मेरी अंजलि? कहाँ है मेरी अंजलि? जिंदा है, लेकिन मरते समय जिंदा लोगों के बारे में जानकर क्या करोगे? हाँ, उस समय सहायता करने के लिए सुग्रीव की जिंदगी में राम नहीं थे, लेकिन अब है मेरा सीनू, देख वहां। सीनू, 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 ओए भाई, इसे भी इनके साथ बांध कर एक साथ जला डालो। ठीक है। हेलो भाई, क्या हुआ? बस मैं ही बच पाया हूँ भाई, वो उन लोगों को लेकर भाग गया। क्या है ये सब? आपने कहा था आपका कोई नहीं है, तो ये गुंडा आपका भाई कैसे? हम लोग नलगुंडा जिला के श्रीपुरम गांव में रहते थे। नाम में जो श्री है वो गांव में नहीं था। फ्लोराइड की समस्या ने हमारे गांव की खुशियों को शराब की तरह खा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ नरसिम्हा जी? आप कुछ करोगे, इसीलिए तो लोगों ने भरोसा करके आपको वोट दिया। ऊपर से आप इस जिला के मंत्री हैं। नरसिम्हा जी, हमें दुख नहीं होता है क्या? ये फ्लोराइड प्लांट का प्लान है, इसे लगाना है तो 50 करोड़ का खर्च है। 50% सरकार लगाएगी, इसके लिए मैंने मना लिया है, लेकिन बाकी का 50% कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। भाई 15 करोड़ है, संभाल कर। अरे डरना क्यों, सिक्योरिटी है ना। मंदिर में दर्शन करने के बाद मिनिस्टर से मिलकर पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम यहाँ रहकर उस ऑफिसर से मीटिंग निपटा लो। नंदनी ना, अंजलि
अंजलि, अंजलि, मेरे भाई, अंजलि और तुम्हारी भाभी मर गई। तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे भैया? तुम भी मर जाओ। क्या है ना, तुम अपनी बीबी बच्ची के साथ लोगों का पैसा लेकर भाग रहे थे, ये भरोसा मैं लोगों को दिलवा दूंगा। उसके बाद पुलिस वालों के हाथों या लोगों के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मर जाओ। नरसिम्हा, वो मेरी तरह दिखता है इसलिए पुलिस ने भरोसा कर लिया कि मैं पैसे लेकर भाग गया। मेरे लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बात मैंने पेपर में पढ़ी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठानी, और तभी तुम मेरी जिंदगी में आ गए। तो फिर अंजलि? अंजलि के बारे में भैया को नहीं पता, मैं बता। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़, उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसके नाम पर तो बहुत जायदाद है ना, हाँ? वो सब मेरी हो जाएगी। उसके लिए उसे 20 साल तक पालना होगा ना? पाल लूंगा। उन्होंने जितना पैसा चुराया उसका 10 गुना वापस लाऊंगा। जिस गांव से तुम दूर हुए हो वो गांव तुमको वापस दिलाऊंगा। कैसे? सब शारजा चले गए हैं, वहीं पर अंजलि की शादी फिक्स है। शादी उन्होंने तय की है, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा। शिफ्ट टू शारजा। आ जाओ ससुर जी। ये तो मर गया होगा। एयरबैग होगा ना? नहीं मरा होगा। ससुर जी जाइए। परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना ससुर जी, जाइए। एम्बुलेंस। अंजलि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? मेरी बेटी हो ना। थैंक्स बेटा। इट्स ओके सर। अगर ये वहां नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। देख लिया ना, सुन लिया ना सर, मेरे फैन के रक्तदान और अन्नदान की वजह से ही आज आप यहाँ जिंदा लेटे हो सर, और आपने मुझे गलत समझकर मेरा बायां और दायां गांव सुझा दिया सर। शादी होने तक इन्हें हमारे साथ ही रहने दो। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं हुआ मैं नहीं करूंगा। दोस्त ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि तुम इस पे भरोसा मत करो। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा आई विल टेक केयर सर। ओके। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू, प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। बहुत देर से कंट्रोल करा था, एक नंबर होकर आता। जल्दी आना ससुर जी। ससुर जी आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अब तक जहां आपको चोर समझ रहे थे वहीं पर हम शेर बन के जा रहे हैं। लेकिन सच बताने से वो मानेंगे क्या? हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे सीनू? इसे, कल रात पार्टी में भानु ने जो कुछ भी बोला था उसे हमने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर ये पैसे? अपने लोग वहां से विड्रॉल करके निकल चुके हैं, हमें रास्ते में ही मिलेंगे। नरसिम्हा भाई आइए।
अरे पेड़ा सर, अपनी मासूमियत को धोखा देकर कमाया पैसा है ये, जरा ध्यान से देख लो इसे। थोड़ा हमें भी देने को बोलो ना सर, किसी रेगिस्तान में जाकर जिंदगी जी लेंगे। ए, इसे जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा, एक रुपया भी कोई नहीं लेगा। चलो चलते हैं, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दामाद जी, ससुर जी, दामाद जी, तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए? डिंपल इधर आ। सीनू, इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गया ना? ए, गार्डों से। भैया, बेटी की शादी देखकर, दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। ए, तुम जाकर उस लड़की को अब... कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। दबाजी, दबाजी, ए दबाजी, दबाजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव को धोखा देकर उनका पैसा चुरा कर इल्जाम तुम्हारे बाप पर लगा दिया। रुक जाइए, सब पीछे जाइए, आप लेकर जाइए। भाई इतने दिनों तक आपको गलत समझते रहे, हमें माफ कर देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है।